ये है दिल्ली दर्पण। ऐसा है रेखा जी ने आज नहीं 4 साल से ये काम कर रही है, वह बेटी बचाओ बेटा पढ़ाओ, वो 4 साल से मेहनत कर रही है और उसने ये करके दिखा दिया, आज साबित करके दिखा दिया कि हम डरते नहीं है और किसी बेटी ने डरना भी नहीं चाहिए। देखा होगा आपने 4 दिन पहले एक स्कूटर में स्कूटी पर मोटरसाइकिल को पकड़ लिया, तो रेखा ने वही ठान रखा है कि किसी भी बेटी को कमजोर मत समझो, वह हर बार हर तरह अपने दम पर चलेंगी और दम पर लड़ेंगी। देखिए आज फाउंडेशन बहुत ही अच्छा काम कर रही है क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब हमारी बेटियां बेटों से कम नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा, आप रिजल्ट देखिए, स्कूलों का रिजल्ट देखिए, कॉलेज का रिजल्ट देखिए, तो बेटियां बेटों से कहीं आगे बढ़ रही हैं। तो अब ये कहना ही गलत हो गया है कि बेटी और बेटों में फर्क है। बहुत खूबसूरत प्रोग्राम रेखा जी ने रखा है, रेखा जी के अंदर ये शक्ति है कि वो इस ऐसे कार्यक्रम को बहुत बड़ा रूप दे सकती है और रेखा जी जो कार्य करती है, जिस कार्य में हाथ डालती है, चाहे वो बेटी बचाओ बेटे पढ़ाओ का प्रोग्राम हो, सुदामा द्वार चलने का प्रोग्राम हो, हाउस फाउंडेशन का प्रोग्राम हो, कोई राजनीतिक मंच हो, वहाँ पूरा जोर शोर से रेखा जी अपना कार्य करती है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए वो पिछले 11 साल से इस एक छोटी सी उन्होंने एक पौधा लगाया था जो आज एक विशाल वृक्ष का रूप धारण कर चुका है। ऐसी सुंदर प्रोग्रामों के लिए हम रेखा गुप्ता जी को बधाई देते हैं, धन्यवाद। आज फाउंडेशन लगभग 12 वर्षों से ये कार्यक्रम चलो सुदामा द्वार का आयोजन कर रही है और रेखा गुप्ता जी जो इस कार्यक्रम की संरक्षक हैं, यहाँ से 2 बार निगम पार्षद रही हैं, वो इस कार्यक्रम की पूरी देखरेख करती हैं और लगभग चलो सुदामा द्वार के माध्यम से समाज के अंतिम बैठे हुए व्यक्ति, अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। ऐसा इस कार्यक्रम का आयोजन है, जिस तरह इन्होंने गरीब बच्चों को कपड़ों का वितरण किया, पेंटिंग कंपटीशन में जो लोग उत्तीर्ण हुए, जो लोग फर्स्ट आए सेकंड आए थर्ड आए, आज उनको पुरस्कृत किया जाएगा। इससे पिछले वाले कार्यक्रम के अंदर खेल कूद प्रतियोगिता में जो बच्चे अव्वल थे उनको और उनके मदर फादर को सम्मान किया गया, तो इस तरह के कार्यक्रम लगातार ये संस्था करती रहती है। बेटियों को बहुत सहयोग देना चाहिए, बेटियों को सहयोग देना चाहिए, उन्हें जितना पढ़ा सके पढ़ाइए ताकि वो बच्चे एक भविष्य है, दो परिवारों का परिवार बनाती है वो लड़कियाँ। मैं इस अभियान के साथ बहुत अच्छा लग रहा है कि रेखा जी ने इतना अच्छा ये कार्यक्रम किया है। हर माँ को गर्व होना चाहिए कि बेटी को इतना ऊंचा उठाओ, इतना पढ़ा लिखा के इतना बड़ा बनाओ कि वो हमारा देश का भविष्य बन सकती है, ना कि बेटा नहीं बेटी भी बन सकती है। मैं चाहती हूँ मैं इस अभियान के साथ जुड़ूं। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर